इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। शुक्रवार को देर रात हुई बारिश ने जिले के तापमान में गिरावट दर्ज की है। दरअसल पश्चिम विक्षोभ के चलते मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। जहां वर्तमान मौसम की बात करें तो रात और दिन के तापमान में अंतर बना हुआ है। ग्रामीण मौसम विशेषज्ञ की माने तो आज भी जिले में बारिश होने की उम्मीद है। मौसम विभाग के जानकार ने बताया कि पश्चिमी विक्षोभ के कारण शुक्रवार देर शाम बारिश देखने को मिली, जहां अधिकतम तापमान 34 डिग्री और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री नोट किया गया। वहीं मौसम विभाग के अनुसार आज भी हल्की बारिश जिले में देखने को मिल सकती है। वहीं वर्तमान मौसम की बात करें तो 4 दिन बाद न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिलेगी। ग्रामीण मौसम विशेषज्ञ की माने तो बारिश के बाद बादल खुलते हैं और जमीन के आर्द्रता और वायुमंडल की आर्द्रता के कारण उमस देखने को मिलती है। फिलहाल रात और दिन के तापमान में अंतर बना हुआ है, जिससे रात में हल्की ठंड व दिन में गर्मी का एहसास महसूस हो रहा है। अब वर्तमान मौसम की बात करें तो वर्तमान में हमने देखा कि जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण कल हमको शाम को हल्की से मध्यम बारिश देखने को मिली और जो अधिकतम तापक्रम था वो कल 34.5 नोट किया गया और जो न्यूनतम तापक्रम था वो 18 से 19 डिग्री पार किया गया था। अगर आने वाले दिनों की बात करें तो अभी आज और हल्की से मध्यम बारिश शाम को देखने को मिलेगी और जो हवाओं की गति है वो शाम को और तेज़ देखने को मिल सकती है। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो अभी आज के बाद में 4 दिन बाद ये अधिकतम और न्यूनतम तापक्रम में थोड़ी सी 2 से 3 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। बारिश के बाद सर उमस भी पड़ी है क्या? हाँ, बारिश के बाद में असल में क्या है कि बादल भी खुलते हैं तो उसकी वजह से उमस पड़ती है और जब जमीन की आर्द्रता और वायुमंडल की आर्द्रता दोनों में काफ़ी वेरिएशन होता है तो उसके कारण उमस देखने को मिलती है।